खबर इंदौर से है, जहां विधायक आकाश विजयवर्गीय का बल्लाकांड मामले में रिमूवल निरीक्षक ने कोर्ट में बयान दिया है। बयान देते हुए कहा कि मैंने नहीं देखा मुझे किसने बल्ला मारा। बल्लाकांड का वीडियो वायरल भी हुआ था। बता दें आकाश विजयवर्गीय पर बल्ला मारने का आरोप था, लेकिन निरीक्षक ने अब बयान दिया है कि उन्होंने नहीं देखा कि किसने उन्हें बल्ला मारा। भोपाल एमएलए कोर्ट से आकाश को जमानत भी मिली थी। साल 2019 में आकाश सहित 11 लोगों पर यह पूरा मामला जो है वो केस जो है वो दर्ज किया गया था। दादा निरीक्षक का बयान सामने आया है, उन्होंने कहा कि मैंने नहीं देखा कि मुझे बल्ला किसने मारा था। जून 2019 में ये पूरा मामला था, निगम की अतिक्रमण विरोध कार्रवाई का विरोध हो रहा था। आकाश विजयवर्गीय के नेतृत्व में ये विरोध हो रहा था, जब उन्होंने पिटाई का आरोप लगा था उनके ऊपर। आकाश सहित 11 लोगों पर केस दर्ज हुआ था। रिमूवल निरीक्षक की बल्ले से पिटाई का आरोप लगा था, लेकिन एमजी रोड थाने में दर्ज ये पूरा केस हुआ था। लेकिन अब निरीक्षक ने कोर्ट में बयान दिया है कि उन्होंने नहीं देखा कि उनको बल्ला किसने मारा। मेरे सहयोगी इंदौर से हेमंत शर्मा जुड़ गए। हेमंत, देखिए निरीक्षक का कोर्ट में बयान आया है कि उन्होंने नहीं देखा उन्हें बल्ला किसने मारा है। हाँ देखिए, पूरा मामला जून 2019 का है, जिसके बाद में आकाश विजयवर्गीय को पूरे मामले में जेल की हवा भी खानी पड़ी थी। और इसके बाद जब भोपाल से विशेष एमएलए कोर्ट से उनकी जमानत हुई थी, इसके बाद वे जेल से छूटे थे। दरअसल रिमूवल कार्रवाई के दौरान आकाश विजयवर्गीय ने भवन निरीक्षक जो है धीरेन्द्र बायोस, इन पर बल्ले से हमला करने का आरोप लगा था। इसके बाद एमजी रोड पुलिस ने मामला दर्ज करा था। मामले में पुलिस ने सरकारी कार्य में बाधा सहित मारपीट का मामला जो है वो 11 लोगों के खिलाफ दर्ज किया था, जिसमें आकाश विजयवर्गीय को जेल भेज दिया गया था। इसके बाद जो अगली तारीख पर लगी थी, उस तारीख पर शुक्रवार निरीक्षण होता रहा, उसमें धीरेन्द्र बायोस जो है उन्होंने अपने बयान से पलटते हुए नजर आए। उन्होंने कहा है कि मुझे पीछे से किसने मारा था ये मैंने नहीं देखा है, लेकिन वहां पर कई लोग खड़े हुए थे जिनके हाथ में बल्ला था। तो कहीं ना कहीं देखिए, राजनीतिक दबाव में ये बयान हो सकता है, पर जो अब कोर्ट में बयान के बाद में साबित हो जाता है, कहीं ना कहीं राजनीतिक रसूख के बाद ये बयान जो है कोर्ट में दिया गया होगा। तो हेमंत, अब ये पूरे मामले में क्या कार्रवाई की जाएगी? क्या है आकाश विजयवर्गीय के बयान भी सामने आएगा या फिर दोबारा से कोर्ट में पेशी की जाएगी निरीक्षक की? क्या कुछ होगा इसमें आगे मामले में? हाँ देखिए, इसके अंदर कोर्ट ने जो तारीख है वो बढ़ा दी गई है। अब अगली सुनवाई जो है वो आगे की जाएगी। अब सुनवाई के अंदर जो भी तथ्य होंगे, 25 फरवरी की जो अगली तारीख दी गई है, अब अगली सुनवाई पर कोर्ट इसमें फैसला करेगा कि क्या कार्रवाई कोर्ट को आगे करनी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत हमें तमाम जानकारी देने के लिए।